इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह सुभान ताला ने चाहे 25 को इजलास होगा, जाहिर है एक रवायत है 25 को तो दुआ होगी और 30 को 31 को पैडी को जिस दिन भी स्पीकर अदम एतमाद की तहरीक पर वोट करना चाहे। और इमरान खान, अल्लाह से पूरी उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला इमरान खान जीतेगा और 27 तारीख का इलेक्शन ही हमारे एतमाद और रेफरेंडम और अदम एतमाद 27 की रात फाइनल हो जाएगी कि अवाम किसके साथ है। अवाम इमरान खान के साथ है और 27 तारीख को अवाम का समंदर होगा। और कल भी मीटिंग होगी, रोज़ मीटिंग हो रही है पॉलिटिकल पार्टी की, सारा जोर इस बात पे है कि सारे लोग 27 को आएँ, 25 का इजलास होगा और जो रवायत है कि उसमें सिर्फ दुआ होती है, उसके बाद स्पीकर क्या फैसला करते हैं कि वोटिंग किस दिन होनी है, ये स्पीकर साहब का। शेख साहब अपोजिशन बड़ी कॉन्फिडेंट है कि हम भी बड़े कॉन्फिडेंट हैं, हमें नहीं नजर आ रहा। कहा जा रहा है कि बड़ा ऐलान करना है पीएम ने 27 तारीख को, बड़ा ट्रंप का कार्ड फेंकना है। अभी तो देखे ना, ऐलान पीएम के पास भी है ना जी, सारे कार्ड तो अगर अपोजिशन के पास है, देखे असल अलग फैसला है अपोजिशन के साथ 27 को लोग कितने निकलेंगे और इमरान खान और इत्तेहादियों का बता दे शेख साहब। इत्तेहादियों को अल्लाह से मुझे उम्मीद है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चलेंगे, मेरी दुआ है। अगर ना चलें तो ये उनकी मर्जी है, लेकिन मेरी दुआ है कि इत्तेहादी इमरान खान के साथ चले। आमिर भाई, भाभी ने दोस्ती करवा दी आपकी? किसकी? भाभी ने आपकी? दोस्ती हमारी पहले से थी, ठीक है, दोस्ती कभी खत्म नहीं हुई थी। हाँ, लेकिन अभी वोट का कोई फैसला थोड़ी हुआ है। अच्छा, मुलाकात में क्या हुआ? मुलाकात में बहुत अच्छी बातें हुई हैं, बहुत जबरदस्त बातें हुई हैं और मुल्क कौम के बारे से बड़ी अच्छी बातें हुई हैं। और खयान खान साहब पूरी उम्मीद है कि तेरी दम एतमाद ना कायल करके आए, ये कायल हो गए हैं। मैंने उनको कायल किया, मैंने आपको कहा था आप यहाँ पे आएंगे तो हमारे से आपकी मुलाकात होगी, कायल कर लिया मैंने। ऐसा कोई भी इकदाम नहीं है। स्पीच में आपका आपने तसल्ली किया था कि जाने नहीं दूंगा, मुलाकात हुई खान साहब ने, बहुत उनको तारीफें की, बड़ी मुबारकबाद दी, रुक भाई मुबारकबाद काफी दी है। और दूसरे ये कि मगर जो होने वाला है ना वो नहीं होने वाला, और जो नहीं होने वाला वो होने वाला है। मसलन मसलन आपसे आपसे मुलाकात होने वाला है,